हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एडफिन। आज हमारे साथ हैं अनु कुमारी जी फ्रॉम होशियारपुर, जिनका रिसेंटली फिनलैंड का स्टडी वीजा अप्रूव हुआ है एंड अपने लाइफ का फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करने फिनलैंड जा रहे हैं। सो अनु जी से आज बात करेंगे एंड समझेंगे अनु जी ने फिनलैंड क्यों चूज किया। सो अनु जी की प्रोफाइल बहुत अच्छी प्रोफाइल है, ये ग्रेजुएट है एंड रिसेंटली अनु जी पंजाब नेशनल बैंक में काम कर रहे हैं होशियारपुर में। सो गवर्नमेंट जॉब पे है। सो ऐसा कैसे टर्न आया लाइफ में कि एक गवर्नमेंट जॉब छोड़ के इन्होंने फिनलैंड जाना बेटर समझा? सो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है कि मैम ने गवर्नमेंट जॉब छोड़ के फिनलैंड जाने का प्लान किया, तो ऐसा क्या ही इनका मोटिव था फिनलैंड जाने का? यहाँ पे अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब है, बहुत रेयर चांस होता है कि कोई गवर्नमेंट जॉब में है और जॉब छोड़ के फिनलैंड जा रहा है। बहुत बड़ा रिस्क होता है, बहुत बड़ा एक मेजर स्टेप होता है लाइफ का कि जो मैम ने लिया है। सो आज मैम से समझेंगे ये सब चीजें। सो मैम फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच मैम, आपने ट्रस्ट किया फिल्म के ऊपर, ये आपका टीआरसी कार्ड आपके साथ है। सो मैम फर्स्ट पहले तो यही समझेंगे कि आपने इतना बड़ा स्टेप लिया है, आपने पीएनबी बैंक से जॉब छोड़ के फिनलैंड जाने का प्लान किया, तो इतना मेजर स्टेप है, घर वाले भी बहुत ज्यादा अगेंस्ट हो गए होंगे शायद कि नहीं जाना जी, यहाँ पे अच्छी खासी जॉब चल रही, सरकारी जॉब है तो क्यों जाना है फॉरन में, है ना? लोग तो यहाँ पे तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वो तो मतलब तरसते हैं कि मैं सरकारी जॉब मिल जाए, कुछ अच्छी खासी यहाँ पे ठीक है, मतलब गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं और बड़ा कुछ करते हैं, कोई पंजाब पुलिस में है, कोई बैंक पीओ एग्जाम दे रहा है, कुछ पंजाब बिजली बोर्ड के एग्जाम दे रहा है, तो आपने वो सब कुछ होते हुए भी आप फॉरन जाने का प्लान किया, ये सब कैसे पॉसिबल हुआ मैम? मैं सर काफ़ी टाइम से मतलब चाहती थी, एक्सप्लोर करना चाहती थी कि अभी अपनी जॉब को, और मतलब मेरे ड्रीम्स है कि बाहर जाके अपनी लाइफ को सेट करूं और अपने घर वालों के साथ रहें, तो इसी वजह से मैंने सर्च किया था कि मतलब कौन सी कंट्री में जा सकते हैं, तो फिनलैंड एक ऑप्शन था मेरे लिए। हाँ मैं सर यहाँ पे पीएनबी बैंक में काम करती थी, गवर्नमेंट जॉब कर रही थी और घर वाले भी चाहते थे कि इस जॉब को कंटिन्यू करूँ, बट मेरा पहले से ड्रीम था कि मैं इस चीज़ को एक्सप्लोर करूं और मतलब बेटर लाइफ के लिए, मैंने ग्रोथ करने के लिए और अपनी लाइफ को और चेंजेस लाने के लिए ये चूज़ किया। और फिनलैंड में काफ़ी सिक्योरिटीज़ है और काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जिनको मैं करना चाहती थी, अचीव करना चाहती थी, तो इसलिए मैंने फिनलैंड को चूज़ किया। राइट सो मैम, जब फिनलैंड की बात हुई थी घर में, स्टार्ट हुआ प्रोसेस की हमने फ़ौरन जाना है, कहाँ से फाइलिंग प्रोसेस स्टार्ट करना है, तो रिसर्च करके आपको एडुफिन का पता लगा, तो कैसे ट्रस्ट हुआ कि नाउ आई एम इन सेफ हैंड्स कि मैंने इनके थ्रू ही प्रोसेस स्टार्ट करूंगी? एक्चुअली सर मैंने फिनलैंड का जब चूज़ किया था तो मैंने काफ़ी सारी इंटरनेट पे सर्च किया, काफ़ी सारी चीज़ों को देखा, कुछ नॉन पर्सन थे जिन्होंने मेरे को एडुफिन को रिकमेंड भी करा था, उसके बाद मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी, फिर मैंने एडुफिन के ऑफिस में विजिट करा और मेरे को सब कुछ जेन्युइन लगा, और उसके बाद ही मतलब ट्रस्ट हुआ, जैसे जैसे स्टेप्स आगे बढ़ते गए तो मतलब वो ट्रस्ट और बढ़ता गया, इसलिए एडुफिन को मतलब मैं कहूँगी कि बहुत अच्छे थे, सबने बहुत टाइमली गाइड किया हमें और हर स्टेप में हेल्प करी। राइट, सो मैम कौन सी यूनिवर्सिटी आपने चूज करी है, कौन सा कोर्स लेके जा रहे हो? हाँ जी सर, एक्चुअली मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है कॉमर्स में, तो मेरे को उसी के रिलेटेड कोर्स मिला तांपरी यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज में, और कोर्स था रिस्क मैनेजमेंट एंड सर्कुलर इकोनॉमी जो मैंने चूज करा, जो इसी से रिलेटेड है और मेरे शायद करियर को और भी ज्यादा इन्हांस करेगा आगे जाके। ऑब्वियस मैम, देन इट्स ऑब्वियस लीडिंग टू मास्टर डिग्री कोर्स, सो आफ्टर दी डिप्लोमा तो आप आगे फर्दर मास्टर में भी एनरोल करोगे ताकि आप वहाँ पे मास्टर डिग्री ले सको। राइट, सो मैम जब सब कुछ कंप्लीट हो गया प्रोसेस एंड आपकी ऑफर लेटर की फीस सबमिट होगी, फंड आपके ने सारे समय लिए सागर सर से, एंड देन नेक्स्ट जब वीएफएस में आप गए थे फाइल लेके, सबसे लास्ट स्टेप वही होता है वीजा वाला, तो वीएफएस में जब गए थे, वीएफएस में जो आपकी फाइल सबमिशन हुई है, वो सारा एक्सपीरियंस अब कैसा रहा? सारा जितना भी एक्सपीरियंस किया मैंने सब कुछ ठीक था, मतलब कुछ ऐसा खास नहीं था कि जब बहुत बड़ी हार्ड इंटरव्यू होती है, कुछ नॉर्मल क्वेश्चन थे, जेन्युइन क्वेश्चन पूछे गए और उसके बाद मेरे को 10 to 15 days में अपना वीजा मतलब रिसीव हो गया था। राइट, सो लास्टली मैम बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो हमारे सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं, सो आपकी भी वॉइस उन तक पहुँचेगी तो आपको भी वो देखेंगे यूट्यूब पे, सो आप उन सब के लिए रिकमेंड क्या करना चाहते हो जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो फॉरेन जाके सेटल होना चाहते हैं, यूरोप में जाना चाहते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, फिनलैंड जाना चाहते हैं, तो आप उन सबको क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं सर यही मैसेज देना चाहूंगी कि अगर आपका ड्रीम है तो उसको फुलफिल करने के लिए अपना स्टेप लीजिए और सही चीज को चूज करिए। मैंने जैसे मतलब स्टेप लिया और उसके बाद मैंने सर्च करा एडुफिन के साथ, स्टेप बाय स्टेप मेरे को एक ट्रस्ट मिला कि नहीं ये सब ठीक हो रहा है, और आज मेरे को अपना वीजा भी मिल गया। सो यही कहूंगी कि मैंने भी इनको एडुफिन के बारे में नेट पे ही सर्च करके मैं जहाँ तक पहुंची थी, और उसके बाद मतलब आपको शायद इस वीडियो से और मोटे मिले कि आप भी इनके साथ जुड़ सके। बहुत ज्यादा इनकरेजिंग स्टेप है आपका कि आपने एक
पब्लिक गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आपने फिनलैंड जाना बेटर समझा, अदरवाइज तो यहाँ पे जो सरकारी जॉब चल रही हो तो स्टूडेंट छोड़ने का तो सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पे अच्छी खासी जॉब चल रही है, तो अच्छा खासा सेक्टर में आ गए हैं, तो मतलब अब यहीं पे सेटल होंगे, तो मतलब बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग आपका स्टेप है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन हुआ बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए कि आपने वो स्टेप लिया आउट ऑफ द वे जाके। सो थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू, हम बाकी मिलते रहेंगे फिनलैंड मैम। सो कोई भी वहाँ पे कोई इश्यूज हो, कुछ भी लगे, देन वी आर ऑलवेज हियर टू हेल्प यू आउट, फोन पे व्हाट्सएप पे इन टच रहेंगे मैम ऑलवेज। थैंक यू मैम, थैंक यू जी।